हेलो, नमस्कार दोस्तों। मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ 5 मिनट नो कुकिंग स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे किसी भी त्योहार पे बेफिक्र, नो टेंशन, 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। इसके लिए हमें बिल्कुल भी गैस जलाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी देखने में सुंदर लगती है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। इसमें से मैंने ब्लैक पार्ट नहीं निकाला था। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कद्दूकस करते समय ब्लैक पार्ट निकाल लें। हमने बाउल में डाल दिया है इसको। एक कटोरी के लगभग हमने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर को आप कम ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया था। हम पाउडर चीनी लेंगे। मैंने 2 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसे। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर डालें। हल्का सा मैंने इसे कूट लिया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। अब थोड़ा सा हमने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाता है। हाथों की हेल्प से हमें डो जैसा इसको बना लेना है। 2 से 3 मिनट में ही डो की तरह बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है हमें इसमें। ये देखिए डो के फॉर्म में आने लग गया है। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट में डो इसका बन जाता है। हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। अभी हमें इसमें फूड कलर डालना है। फूड कलर हमें अच्छे ब्रांड का ही लेना है, नहीं तो कई बार क्या होता है मिठाई का टेस्ट खराब हो जाता है। पहले हमने ग्रीन कलर लिया है। एक में हम ग्रीन कलर डालेंगे। आप कोई भी कलर का फूड कलर ले सकते हैं। एक में हमने ऑरेंज कलर लिया है। थोड़ा सा हमने एक में ऑरेंज कलर डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए हाथों की हेल्प से हमने मिक्स कर लिया इसे। ये देखिए मैं ऑरेंज वाला तैयार हो गया है। दूसरा वाला भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं दूसरा वाला भी तैयार हो गया है। हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। पॉलीथीन हमने बिछा लिया किचन बोर्ड में, जिससे इसमें लगे ना। हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये देखिए ऑरेंज और हरा हमने दोनों की गोलियां बना ली। मिठाई को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हमने एक प्लेट में से रख लिया है। ये देखिए हरा लिया मैंने, एक ऑरेंज लिया है, फिर से एक हरा लिया है। ऐसे में लाइन से इसे रख देना है। इससे क्या होगा, मिठाई के एक डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए हल्का से इसे प्रेस कर देना है, हाथों से हल्का सा दबा देना है। ये देखिए अपनी अलग ही डिजाइन इसकी बन गई है। आप जैसे चाहे वैसे ही डिजाइन इसकी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी डिजाइन इसकी बन गई है। हाथों की उंगली से अच्छा सा प्रेस कर दीजिए इसे थोड़ा सा। ये देखिए हमने बना लिया इसे। हमने 2 इस तरह के बनाई है, एक इस तरह का बना लिया है फ्लावर टाइप का। ये देखिए हमने मिठाई को शेप दे दिया, ऊपर से नारियल स्प्रिंकल किया है। आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाइए। ये देखिए हमारी यम्मी एंड टेस्टी मिठाई बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।